हैं, आपका घर परिवार कैसा है आप सब आप सब परिवार से आए हैं कि नहीं आए हैं तो दीपक हमेशा आए तो पहला होंगे <laughs> And welcome back to our channel. मैं इंडियन और मैं दीपक। और और दीपक. आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेके आए हैं जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे वो जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें टॉपिक क्या है दीपक आज का टॉपिक है हमारे एक्सपीरियंस कि हाउ डिफरेंट इट इज

होगा तो वीडियो पूरा देखो मजा आएगा आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कैसा होता है यहाँ पर भी डिफरेंसेस कैसे होते हैं छोटे शहरों में और बड़े शहरों में तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो दीपक सबसे पहला पॉइंट तो अपन आते हैं लैंग्वेज आई थिंक जो भी जर्मनी के बारे में वीडियो बनाता है तो उनका सबसे पहला पॉइंट होता है लैंग्वेज तो जो लैंग्वेज हम छोटी सिटी में एज ए स्ट्रगल मान रहे थे हमें हर एक चीज में प्रॉब्लम होती थी चाहे हम एक हॉस्पिटल में जाए चाहे हम क्लिनिक पे जाए चाहे हम कहीं पर भी जाए एक दुकान पर भी जाए वर्ष बड़ी सिटी में दीपक क्या हो गया है यहाँ पर एक्चुअली इतनी अदर देन वर्क में वर्क की बात नहीं कर रहा वो सुरभि बाद में बताएगी नॉर्मल आपको लाइफ जिंदगी जीने के लिए आपको लैंग्वेज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है म्यूनिक में यहाँ पर आप इंग्लिश यहाँ पर सबको इंग्लिश आती है सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं जो सबसे अच्छा एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर जब आप डॉक्टर्स को भी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये लोग इंग्लिश बोलते हैं या क्या मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलते हैं जो कि हम जब हम टाउन्स में थे वहाँ पर नहीं था हाँ तो ये एक स्ट्रगल आप बोल सकते हो कि छोटी जगह पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती जबकि हम जब म्यूनिक में आए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि हमने अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि लोग ने चाहे वो डिलीवरी देने वाला पर्सन हो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो दुकान पर कोई भी हो सभी लोगों को जो है वो इंग्लिश आती है जो कि हमें एक नॉर्मल फील देता है ना यार मैं एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करूँ तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर उनका डिलीवरी से रिलेटेड वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी उन्होंने गए थे और ऑब्वियसली आप इंडिया से आते आप हो आपको पता नहीं फैमिली नहीं है क्या करना है डॉक्टर के पास गए वो

कोई भी चीज़ की विजिट करो अपने फ्रेंड से भी मिलने जाओ तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वो तो एक फैक्ट है यहाँ का पर मतलब गुमन में जहाँ हम पहले थे वहां पर मैंने फीमेल डॉक्टर है इतना आपको वेट करने की जरूरत नहीं बहुत सारी ऑप्शन है ऑनलाइन जिसमें आप चेक कर सकते हो कहाँ पे अवेलेबल है अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर कहाँ पर फ्री है और आप इजिली ऑप्शन चूज कर सकते हो छोटी सिटीज में बहुत कम होते हैं डॉक्टर्स एक या दो डॉक्टर होंगे और उनके पास पूरी सिटीज के पेशेंट्स होते हैं तो अपॉइंटमेंट जैसे सुरभि ने बोला एक साल बाद मिला था जैसे मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे दिमाग में सेम इम्प्रेशन था कि मुझे शायद एक साल बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा पर मुझे मैंने देखा कि यार देख लेते हैं अपॉइंटमेंट तो तुरंत ही मिल रहा था हाँ। मतलब एक दो दिन में ही जो कि मैं बहुत ज्यादा शौक हो गई की भाई छोटी सिटी के स्ट्रगल डिफरेंट ही है यहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन है वहाँ कुछ भी चीज़ ऑनलाइन नहीं होती है आपको खुद जाना पड़ता है अपना कार्ड दिखाना पड़ता है फिर वो रजिस्टर करते हैं जबकि यहाँ आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पर सारे डॉक्टर हैं इवन आप वीडियो के थ्रू भी उनसे कंसल्ट कर सकते हो जो वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था और इसी से मुझे दूसरी पॉइंट याद आई है दीपक Life. Life स्लो स्लो लाइफ लाइफ बहुत होती है छोटी सिटी में में वर्सेस बड़ी exactly. जैसा आप आप इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी छोटी सिटीज में बहुत सब चीजें स्लो चलती हैं कैजुअल रिलैक्स चलता है मेट्रो सिटीज में लोगों के पास टाइम नहीं होता वैसे यहाँ पर भी है छोटी सिटीज में

लैंग्वेज स्कूल में भर्ती होने के लिए एक्चुअली दिस इज़ द वर्ड आठ महीने लग गए थे मतलब तो मुझे आठ महीने बाद जो है वो अपॉइंटमेंट मिली थी और कहीं पर भी जो था खाली नहीं था <laughs> तो वहां पर आठ महीने एक साल जो होता है वो इग्नोर साल भर तो ऐसा हैं जैसे एक आध हफ्ते की बात हो

ट्रेन करेगा और ट्रेन में भी क्या करेगा सीवी आपको महीने महीने में बनाना सिखाएगा। आप सिर्फ <laughs> वो बताएंगे सीवी कैसे बनाते हैं क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्लो है वहां पर उत, उतने स्किल्ड लोग नहीं आते हैं सिटीज में तो वो जो और इमिग्रेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट स्किल्स के उनके हिसाब से ही आपको भी ट्रीट करेंगे <laughs> तो बिल्कुल आपको स्लो है, तो, बहुत तो स्लो अगर है। आपकी जिंदगी में आपको बहुत फास्ट जाने की आदत है और आपको स्लो लाइफ अच्छी नहीं लगती है तो आप प्लीज छोटी सिटी जर्मनी में मत बताओ क्योंकि छो, छोटी सिटी में आपको बहुत कॉमनली ये दिखेगा कि छह आठ महीने तो आपके कहीं नहीं गए मतलब ऐसे ही निकल जाते और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता छह आठ महीने तो है जबकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि मुझे भागना था और लोग मुझे पीछे खींच रहे थे तो अब इसके साथ हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर है ना पॉइंट बताओ तो जो अगला जो हमने डिफरेंस जो हमने एक्सपीरियंस किया है खुद से वो ये है कि तो दीपक आप आए तो फैला था इट्स ओके कट 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 ओके तो जो जो अगला अपने पॉइंट है हमारा जो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया है वो है इंडियन कम्युनिटी स्पेशली आपका जो सोशल सर्कल है इंडियन कम्युनिटी में वो छोटी सिटीज में आपको बड़ी ही मुश्किल से मिलेगा क्योंकि आप समझो आप मतलब छोटे शहरों में बहुत कम इंडियंस मिलेंगे आपको और स्पेशली उस टाइप के इंडियंस भी जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए वो भी बहुत कम मिलने वाले हैं जो बिगर सिटीज में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे दिवाली होली या जो भी फेस्टिवल्स हैं

आ, हर कोई पहचानने लगा था बाई फेस हाय हेलो सलून में जा रहे हो आप वही सलून में वही जाना है आपको हमेशा वही सुपर मार्केट हमेशा वही जाना है वही गवर्नमेंट ऑफिस सब पहचानने लगते हैं हाय हेलो होने लगता है तो लगता है यार वो चीज बहुत अच्छी होती है वो एक प्लस पॉइंट है

और इनका पता नहीं कौन सी प्राइवेसी भंग हो जाती है <laughs> तो बहुत अवॉइड करते थे इवन कहीं भी कैमरा रिकॉर्ड करती थी सब लोग देखते थे और पीछे जाते थे फोटो खींच रही है तो पीछे हट जाते थे मॉल में कुछ रिकॉर्ड कर रही तो है नहीं, नहीं, <laughs> इसी के चलते एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग समझने लगे थे ये इन्फ्लुसर जो ये आने लगी है लोग पहचानने लगे थे ये देखो ये वो ये कैमरा वाली लड़की पूरा छोटा सा टाउन था और जबकि ऑन द अदर साइड जो बिगर सिटीज होती है वहाँ पे लोग बहुत कैजुअल होते हैं वो बहुत इंटरनेशनल कल्चर होता है वो कोई माइंड नहीं करता आप क्या आप अपना ब्लॉगिंग कर रहे हो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो करते रहो फोटोज खींच रहे हो

एक बहुत अच्छे से उन्होंने हमें हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसी के चलते हम आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस लेके आ पाएंगे बहुत कैजुअल है हम हाँ। हाँ। याद है मतलब मैं जल्दी से एक चीज और बता दूं आपको हमारा एक्सपीरियंस शुरू में हाँ, जब सुरभि ने स्टार्ट किया था चैनल उसको सुपरमार्केट का वीडियो बनाना था और इतना डिफिकल्ट हो रहा था वहां पे एक जगह बनाने गए पूछा उनसे हमने उन्होंने मना कर दी दूसरी जगह पूछा उन्होंने मना कर दी जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर्टिकुलर सुपर की पॉलिसी ऐसी थी जो वहां लोग थे वो इतने शायद थे कि उन्होंने मना कर दिया यहाँ पर हमने ये बोला की यहाँ हमारे अलाउड नहीं है हाँ, और यहाँ पर हम कहीं भी आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आपको और भी चीजें डिटेल में अच्छे से दिखा पाएंगे और अब दीपक अभी भी करता है ऐसा पर ठीक है अब धीरे धीरे हम लोग चेंज हो जाएंगे अब जो लास्ट मतलब तीन पॉइंट्स बचते हैं उसमें जो तो दो पॉइंट्स है वो हम लोगों के लिए तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट हाँ। है और वो एक्चुअली वो जो भी बंदा इंडिया से यहाँ आ रहा है

ऑप्शंस नहीं होते कंपेयर टू द बिगर सिटीज और यहाँ पर जो है बहुत ऑप्शंस होते हैं जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी स्टार्टअप जो है वो ओपन हुई हैं जो आपको ऑनलाइन डिलीवरी दे देती है आधे घंटे में दस मिनट में पांच मिनट में व्हाटएवर यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं प्लस अदर देन दैट आपके डोमेन में इतनी सारी जॉब्स होती हैं कि आपको मतलब आप आओ थोड़े बहुत दिन रुको आपके पास लैंग्वेज हो या ना हो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से डोमेन में हो लेकिन अगर हो या ना हो फिर आप जॉब आराम से स्टार्ट ये, कर सकते ये, हमने एक्सपीरियंस किया और कुछ फ्रेंड्स के थ्रू भी हमें पता चला है ऑब्वियसली uh, हम इतने टाइम से रह रहे हैं तो हमें चीजें समझ में आई हैं जो, जो अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड एज ए स्पाउस आ रहे हैं अगर आपके पास ऑप्शन है कि बिगर सिटीज के आसपास रह सकते हो आप भले आपका ऑफिस थोड़ा स्मॉल टाउन में है थोड़ा आपको ड्राइव करना पड़े आप बड़े शहरों में ही रहिए क्योंकि हमने देखा है जो स्पाउस यहाँ पर बिगर सिटीज में आते हैं उनको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है कंपेयर टू जो लोग स्मॉलर प्लेसेस पे होते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है दूसरी चीज ये कि हर तरह की जॉब होती है फाइनेंस की मार्केटिंग की बिजनेस की आईटी की डिफरेंट टाइप की तो वो ऑप्शंस बहुत होते हैं और तीसरी चीज ये है कि लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते, लेते हैं बिगर सिटीज में जो छोटी सिटीज में बहुत बिल्कुल भी नहीं, भी नहीं। हाँ। आपको बहुत और वो भी सर्टिफिकेट के बेसिस पर माना जाता है की आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती और हम मतलब हम पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ऑप्शन है तो आप बड़ी सिटीज में या उसके आसपास ही रहिए

आप कितना कमाते हैं आपका घर परिवार कैसा है आप, आप सब मिलना आप सब परिवार से आए हैं कि नहीं आए हैं मिलना भी है हाँ मतलब आप खाते पीते तो मतलब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाते पीते आप चल के दिखाइए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, <laughs> है आपके घर में डॉग कैट है या नहीं वगैरह वगैरह भाई मतलब हैं सच में बहुत डिफिकल्ट है आपकी जॉब कितनी है क्या जॉब करते हो सैलरी कितनी है मतलब प्रोबेशन पीरियड पर तो नहीं हो आप बहुत सारी चीजें चेक करते हैं जबकि मैंने जब घर लिया था स्मॉलर सिटीज में जो स्मॉलर टाउन में हम थे हमने घर लिया था मैं उस बंदे से मिला भी नहीं था जो आ, एजेंसी वाला था बस डॉक्यूमेंट भेजे साइन किया फोन पे बात ही हो गया खत्म तो भाई अगर अगर आपको अच्छा घर चाहिए कम पैसों में देन आई गेस स्मॉलर सिटी इज अ गुड ऑप्शन या जो भी आउट होते हैं वो अच्छा ऑप्शन है लेकिन अगर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए अच्छा कल्चर चाहिए इंटरनेशनल कल्चर चाहिए तो आई थिंक बिग सिटीज इज अ गुड ऑप्शन अब लास्ट पॉइंट जो है वो आई थिंक आपने वीडियोस रील और इन सब में देखा होगा वा, वो वा, क्या होता है कैश इज किंग किंग कैश कैश इज इज नॉट किंग इन दिगर सिटीज बट स्मॉलर सिटीज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैश uh -huh. जो हम जितने भी छोटे टाउन्स में रहे हैं हम हमने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप मतलब हर अमाउंट आप कार्ड से पे नहीं कर सकते बहुत सारी शॉप बहुत सारी बेकरीज ऐसी होती हैं जो कार्ड लेती ही नहीं है तो आपको कैश रखना पड़ता है पूरे टाइम पे ऑन द अदर साइड ऑन द बिगर सिटीज

कैश निकाले हुए महीनों बीत जाते थे वहां तो सब कार्ड और ऐसे ही पे होता था सडनली हम यहाँ पे छोटी जगह आ गए और हर जगह कैश 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 तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था ऑन द अदर साइड अब इधर आ गए तो हर जगह कार्ड 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 तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये वीडियो जो है वो रिवायर ने स्पॉन्सर किया है एंड राइट नाउ उनके पास बहुत अच्छे ऑफर चल रहा है कि आप पैसा भेजो इंडिया और आप जीतो थाउजेंड यूरो तक तो जितना ज्यादा आप पैसा भेजोगे इंडिया में और उतना ही आप जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे थाउजेंड यूरो जीतने के ये क्रिसमस ऑफर है अभी क्रिसमस आ रहा है हॉलीडे सीजन आ रहा है तो ये सिर्फ स्पेशली इंडिया की ऑडियंस के लिए ये ऑफर है और अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है फ्रॉम यूके टू तो इंडिया या यूरोप टू तो इंडिया तो ये रिवैर जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं हमेशा वही यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव है हमारा काफी पैसा बचता है इस हाँ, और और मैं आप लोगों को मेरे सब्सक्राइबर को हमेशा ही जो है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर देती हूँ तो दो फ्री ट्रांसफर लिंक्स दे रही हूँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है यूज करो पैसे भेजो और हो सकता है थाउजेंड आप जो है वो जीत जाओ सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है जरूर चेक करना और आप लोग ये भी बताना हमने जितने भी पॉइंट्स बताए एक तो यूनिक वाले या फिर बर्लिन वाले या जितने भी बड़ी सिटी वाले हेमबर्ग एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमको ऐसे पॉइंट भूले हैं या नहीं क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ पंद्रह दिन हुए म्यूनिक शिफ्ट हुए तो हम हो सकता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भूल गए ऑब्वियसली तो हम इसका अपडेटेड वर्जन ले आएंगे फिर अपडेटेड वर्जन जरूर लाएंगे पर आप बताना जो हम स्ट्रगल बता रहे हैं वो स्ट्रगल है किसी का झेली है, मतलब हैं वो बता रहे और हो सके आपको अंदाजा लगेगा कि कैसा होता है छोटी जगह पे और बड़ी जगहों पर एक कम्पेरिजन एक समझ में आता है आइडिया कैसा होता है ऑब्वियसली हमें इंडिया के बारे में पता है की छोटी टाउन कि हम छोटी जगह पे भी रहे हैं और हर जगह के अपने फायदे होते हैं हर जगह के अपने नुकसान होते हैं छोटी जगह रह के हम बहुत अच्छे से यहाँ का कल्चर जो रियल डॉइचलैंड है जो मतलब यहाँ का जो रियल एक बोलते हैं ना अगर आपको किसी देश को समझना है तो आप वहाँ के गाँवों में जाइए वहाँ की गलियों में जाइए है ना वहाँ के जो जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ रहिए तो वो हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें रियलिटी समझ में आई है

तब तक तब तक के लिए बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय